दोस्तों जब बात दुनिया के सबसे बड़े योद्धा और विजेताओं की जाएगी तो उसमें दो नाम जरूर आएंगे, पहला सिकंदर महान का और दूसरा चंगेज खान का। जहां एक तरफ सिकंदर महान को विश्व विजेता के तौर पर जाना जाता है तो वहीं दूसरी तरफ चंगेज खान को मानव इतिहास का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। ये दोनों ही शासक हुए तो अलग अलग समय में, लेकिन इन दोनों का खौफ एक जैसा था कि दुनिया का कोई भी शासक इनसे लड़ना तो दूर इनके सामने भी नहीं आना चाहता था। क्या था इन दोनों महान योद्धाओं की जीत का रहस्य? कितनी सेना थी इन दोनों के पास? इन दोनों में से किसकी सल्तनत ज्यादा बड़ी थी और कौन था इन दोनों योद्धाओं में से ज्यादा ताकतवर और एक बड़ा विजेता? आज की हमारी वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, हमने इन दोनों योद्धाओं की ताकतों को तीन तरीके से मापने की कोशिश की है। नंबर एक, इनके शासक यानी सिकंदर महान और चंगेज खान की काबिलियत के द्वारा। नंबर दो, सैन्य क्षमताओं द्वारा। नंबर तीन, इनकी सल्तनत के क्षेत्रफल के द्वारा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिकंदर महान की, जिसको तारीख में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं वो इतिहास का एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसको पूरी दुनिया विश्व विजेता के नाम से जानती है। दोस्तों, सिकंदर महान का जन्म मेसिडोनिया के शासक फिलिप्स द्वितीय के घर सन 353 BC में हुआ था। तब कौन जानता था कि ये साधारण सा दिखने वाला बच्चा एक दिन पूरी दुनिया जीत लेगा। अपने पिता की मौत के बाद 336 BC में मात्र 18 वर्ष की उम्र में सिकंदर महान गद्दी पर बैठे और उन्होंने गद्दी संभालने के मात्र कुछ सालों के अंदर ही पूरा यूनान जीत लिया। सिकंदर महान के लश्कर या सेना की बात करें तो वो कोई बहुत बड़ा लश्कर अपने साथ लेकर नहीं चलते थे। उनका मानना था कि कोई भी जंग सैनिकों की तादाद से नहीं बल्कि हिम्मत और सही रणनीति से जीती जाती है, और यही वजह थी कि वो अपनी सेना में कुछ गिने चुने सैनिक ही रखते थे। मगर उनकी सेना में जो भी सैनिक होते थे वो लाखों की सेना पर भारी पड़ने में काफी थे। एक आंकड़े के मुताबिक वो मात्र 50,000 सैनिकों का ही काफिला अपने साथ रखते थे, जिसमें 10,000 से 15,000 घुड़सवार और 30,000 से 35,000 पैदल सैन्य टुकड़ी हुआ करती थी। कहा जाता है सिकंदर महान ने इन सैनिकों को साथ में लेकर कई जंगें लड़ी और वो हर बार विजय हुए। इतिहासकारों के मुताबिक उन्होंने 20 साल की उम्र में खुद से एक वादा किया था और वो वादा था दुनिया को फतेह करने का, और इसीलिए उन्होंने मात्र 10 साल के सैन्य अभियान के दौरान दुनिया के उन सभी हिस्सों को जीत लिया था जिनकी जानकारी उस वक्त यूनान के लोगों को हुआ करती थी। उनके साम्राज्य की सीमाएं प्राचीन यूनान से लेकर हिंदुस्तान के मध्य भाग तक फैली हुई थी, जिसमें तुर्की, मिस्र, ईरान, सीरिया जैसे राज्य शामिल थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिकंदर इतनी जंगों और सैन्य अभियानों के बाद भी दुनिया की पूरी जमीन का मात्र 5% हिस्सा ही जीतने में कामयाब हो पाया था, लेकिन दुनिया आज भी उन्हें विश्व विजेता इसलिए मानती है कि यूनान के लोगों को उस वक्त धरती के इतने ही हिस्से की जानकारी थी और उन्होंने उस वक्त की मौजूदा जानकारी के हिसाब से उन सबको जीत लिया था। कहते हैं सिकंदर ने अपने पूरे जीवन काल में सैकड़ों जंगें लड़ी और वो अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारे। इसीलिए सिकंदर महान के इस दुनिया से चले जाने के इतने सालों बाद भी हम लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो सिकंदर महान ने दुनिया के कई देशों और राज्यों को जीता, लेकिन कभी भी उन्होंने वहां की आम जनता के साथ में क्रूरता नहीं की जैसे कि चंगेज खान ने की, और इसीलिए दुनिया आज भी सिकंदर को सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। आपको ये बात जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि सिकंदर ने इतने बड़े बड़े कारनामे अपनी सिर्फ 33 साल की उम्र में ही कर दिए थे और आखिरकार सिर्फ 33 साल की उम्र में ही इतने महान और शक्तिशाली योद्धा की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि महान सिकंदर ने अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयत की थी जिसमें उसने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि हरेक ये देख ले कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर मौत से कितनी आसानी से हार गया। और उस वक्त का दुनिया का सबसे अमीर शासक जब इस दुनिया से गया तो उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। तो दोस्तों, दुनिया में जाबाज और ताकतवर योद्धा तो और भी बहुत हुए, पर सिकंदर महान सिर्फ एक ही था। दूसरी तरफ बात अगर दुनिया के एक और ताकतवर शासक चंगेज खान की करें तो उसने अपनी सल्तनत की स्थापना सिकंदर महान की मृत्यु के लगभग 1,500 साल बाद 1206 में की थी और 1227 आते आते उसने दुनिया का लगभग 22% हिस्सा जीत लिया था, जो कि सिकंदर महान की सल्तनत से कई गुना ज्यादा था। उसके साम्राज्य की सीमाएं लगभग 3,30,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी।
जहां एक तरफ सिकंदर को दुनिया का सबसे महान शासक माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ चंगेज खान को दुनिया का सबसे क्रूर शासक कहा जाता है। आप चंगेज खान की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जो उस वक्त की दुनिया की आबादी का लगभग 20-25% हिस्सा था। अगर उसकी सैन्य क्षमताओं की बात करें तो वो इस लिहाज से सिकंदर महान के बिल्कुल विपरीत सोच रखता था। जहां सिकंदर महान कम सैनिकों की तादाद के साथ दुनिया को फतेह करने निकला था, तो वहीं दूसरी तरफ चंगेज खान लाखों की फौज और लश्करों के साथ दुश्मन राज्यों पर हमला किया करता था। उसका मानना था कि अपनी फौजों की तादाद इतनी बढ़ा लो कि दुश्मन तुम्हारा लश्कर देखकर ही अपने हथियार डाल दे। एक अनुमान के मुताबिक चंगेज खान की सैन्य क्षमता 7 लाख से 9 लाख बताई जाती है। दोस्तों, बेशक जमीनी स्तर पर हमें इन दोनों में चंगेज खान का पलड़ा भारी लग रहा है, मगर इतिहासकारों की माने तो अगर ये दोनों शासक एक ही दौर में होते तो शायद सिकंदर महान चंगेज खान पर भारी पड़ते, और वो इसकी सबसे बड़ी वजह सिकंदर महान की युद्ध में अपनाई जाने वाली रणनीतियों को मानते हैं। सिकंदर महान युद्ध की रणनीतियों में कितने सफल थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी आर्मी स्कूलों में सिकंदर महान की युद्ध नीतियों को पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आपकी नजर में इन दोनों शासकों में कौन ज्यादा पावरफुल था, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और किसी भी शासक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उन पर वीडियो जरूर बनाएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।